अपने घर बना में तो वहाँ में गेट चढ़ा में तो गेट में लगा में कुंडी, तो बाबा की देखो ये कुंडी है, कपड़ा के माध्यम से ये बनाई है कुंडी बाबा ने। गोविंदा गोपाल गिरिधारी लाल। बाबा कोई चूलो बाबा या चूल्हे पर रोटी बना जो बनता है, सब्जी उब्जी जो बनता है, ठाकुर जी जो व्यवस्था करता है, यही चूल्हा में बनते हैं बाबा के चूलो। ब्रजवासी का रोटी के टुकड़े के आगे हम जो समान देता है वो सब फीका है। बाबा एक बात तो ये बता दो तुम, जैसे कि और कोई ये ब्रज को बास चार हो तो तुम्हें जैसे ब्रज को बास मिलो, कैसे भी ठाकुर जी की किशोर जी की कृपा दे, कैसे कोई और उपास है ब्रज को बास। बाबा थोड़ी सी प्रसादी है श्री जी की तरफ से, इस तरह ठाकुर जी के काज तो ज्यादा हो गया भैया, थोड़ा सा बोला था तो ज्यादा ना बाबा, बस ये घर वर मामला कर देता भैया, मतलब ही पारी घर वर हो जाता भैया। अरे ना बाबा का छुना है रो, सब घर वर मामला सब 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 श्री जी ने भेजो है। हम रामानंद जी है, हम राम जी को भक्त करेंगे भाई। हम गौरिया संप्रदाय का है, हम गौरांग महाप्रभु का है, उसको क्यों अपनाएंगे। हम निमार का है तो हम क्यों अपनाएंगे। ऐसा ऐसा जो गलत गलत सब गलत भ्रम खला खत्म, दुर्बुद्धि भरा हुआ है, तो ये सब दुर्बुद्धि को हटा के राधा रानी एक सुंदर परिवेश में सुंदर जगह में सुंदर चिंतन दे के उन्होंने ही बना लिया है। एक पेड़ के जस्ट नीचे ही एक बाबा महाराज ने कुटिया बनाई है, और ये देखिए इसमें भाव का था, जे हमसे भी कोई दुखी है, हमसे भी कोई दुखी है, उसको दुख दर्द सहन निभाना हमारा काम है। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरोदास, जन्म जन्म मुहि दीजियो ब्रज मंडल को वास। यह बहुत ही सुंदर सा भाव एक आस्था से जुड़ता हुआ कुछ इस तरीके से है कि मैं राधा रानी तेरे चरणों की यह दास करता हूँ कि आप मुझे ब्रज को वास दियो, चाहे जितनी भी जन्म हो, जितने जन्म में अगर मैं मनुष्य जन्म में रहूँ तो केवल मुझे ब्रज को ही वास दीजिए। और आज एक सुंदर सा भाव और सुंदर सा एक दर्शन आप सभी के लिए लाए हैं, जो कि ब्रज में रहते हुए एक साधु संत महात्मा अपने घर परिवार को त्याग कर कैसे उन्होंने ब्रज का यह वास पाया, और आप सभी को उनके माध्यम से सत्संग का भाव सुनाएंगे। उसके अलावा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे ब्रज में रहते हुए साधु संत महात्मा ठाकुर जी की उस सेवा स्वरूपी एक भावना से जुड़े हुए रहते हैं। और आपको बता दूं आज की जो साधु सेवा है वह दीपक शर्मा, जो कि अलीगढ़ से हैं, काफ़ी समय से हमारे चैनल आस्था ही रास्ता से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सहयोग उन्होंने हमारे साथ में रह करके किया है, और आज की जो सेवा प्रसादी साधु संत महात्मा के लिए दी गई है दीपक शर्मा जी अलीगढ़ से हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं सेवा प्रसादी के लिए, जो कि कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। चलिए आपको साधु महाराज के दर्शन करा देते हैं, जैसे कि हम लगातार आप सभी तक साधु संत महात्माओं के दर्शन लाते रहते हैं कि किस तरीके से वह अपना जीवन को सार्थक रूप से और एक निरंतरता से ठाकुर जी की सेवा में लगाए हुए रहते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि साधु जीवन की आप आओ, आपने साधु वेश के तरीके से कपड़े पहन लिए और जाकर के जंगल में रहने लग जाओ, इतना आसान नहीं है। वह वही समझ पाता है जो इस जीवन को जी रहा है या अपने शरीर को उस सेवा स्वरूपी भाव में ढाल चुका है, और अपने घर परिवार को त्याग करके किस तरीके से यह ब्रज का यह वास कर रहे हैं, और किस तरीके से ब्रज में यह ठाकुर जी के प्रति और हमारे लाडली जी श्री राधा रानी जी के प्रति एक सुंदर से भाव में ढले हुए हैं, और उनके माध्यम से एक छोटा सा सत्संग का भाव सुनाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से वह ब्रज में रह रहे हैं और ठाकुर जी के नाम को पूर्ण करते हुए और एक भाव सेवा से जुड़े हुए कैसे रहते हैं। और हर कोई के मन में यह उत्कंठा रहती है कि हमको भी ब्रजवास पाना है, हालांकि हम हर वीडियो में इस चीज़ को आप सभी तक पहुंचाते हैं कि कैसे किस तरीके से आप ब्रज की इस सेवा स्वरूप इस भाव को जोड़ते हुए यहाँ ब्रज में रह सकते हैं। चलिए आपको साधु महाराज के दर्शन कराते हैं एक विहवान जंगल में रहते हुए किस तरीके से वे अपनी सेवा स्वरूप को पूर्ण करते हैं। आइए अभी जो है हम बाबा के द्वारे पे आ गए हैं, और बाबा के जो कैसे कैसे वह जीवन की लीलाएं और जीवन की यह सेवाएँ, जैसे कि कैसे बाबा रहमे और ठाकुर जी की सेवा है वह, और कैसी कुटिया के यह आपको दर्शन कराएंगे। देखो
ये बाबा की कुटिया है और कुटिया को यह द्वार है। पहले यह द्वार को देखो कैसे बांस के माध्यम से बाबा ने यह कुटिया बनाई है। पहले आओ पास देखो ये कुटिया को जो द्वार है देखो, जैसे कि हम अपने घर बनावे तो हमें गेट चढ़ावे तो गेट में लगावे कुंडी, तो बाबा की देखो यह कुंडी है कपड़ा के माध्यम से ये बनाई है कुंडी बाबा ने। और यह द्वार और कछु यह तरीका थे देखो, ये देखो यह सुंदर सो एक वातावरण यहाँ बाबा महाराज की कुटिया में जो कि बहुत ही शांति का भाव यहाँ है। और यह एक पेड़ के जस्ट नीचे ही एक बाबा महाराज ने कुटिया बनाई है और यह बाबा के कुटिया को द्वार है परम धन राधा राधा श्री राधा। और देखो ये इधर की साइड से अगर कुटिया देखोगे तो एक वेंटिलेशन के काज है, एक यहाँ बाबा ने छोटो सा कुटिया में जंगला बनाया हुआ है। और जैसे अब हम अपने घर में बनावें जंगला लगावें तो जंगलान के ऊपर हम एसी भी लगा लें और कूलर भी लगा लें, लेकिन यहाँ पे तो बस केवल हवा को ही सहारो है। हवा के सहारे ते ही जो है यहाँ ठंडो मौसम गर्मी मौसम सब मौसम में बाबा रहमे। और यह है तुलसी मैया और बाबा की यह कुटिया और पीछे को कुछ ऐसे ही कटीले पेड़ पौधा। और आओ बाबा की पहले कुटिया के दर्शन करा में। राधे श्याम बाबा कृपा करो बाबा। देखो पहले बाबा की सेवा देख लो तुम। अब ये दोपहर को समय तो बाबा ठाकुर जी के काज है सेवा की तैयारी में लगे। यशोदा का छैया दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया आ जाओ भैया पंगत की सीताराम राधे श्याम गोपाल जय श्री राधे राधा। बाबा भूख लगाए हुए भोग लगाएंगे अभी अभी भोग लगा अभी तो ठाकुर को बुला रहा है भैया चुनो तो लगा पहले तो बुलाने पड़ेगा ना। अब ठाकुर जी को पहले नहीं बुलाएंगे तो कैसे होगा। नौ तो लगा के भोजन कराएंगे। ऐसे को बाबा को जो जंगला हमने आपको बाहर से दिखाया तो कछु या तरीका आते रोशन दान के तरीका में ये जंगला काम करे और एक वेंटिलेशन को भी बाबा को ये जो जंगला है यहाँ पे काम करे। और यहाँ पे बाबा तीन वेंटिलेशन है एक दो तीन अच्छा तीन जगह पे धीरे धीरे गर्मी पड़ेगा धीरे गर्मी में खोल देंगे। अच्छा बाबा यहाँ में लाइट की कोई सुविधा ना है। एक बात बोलते है कि बात की बोलना नहीं चाहिए फिर भी साधु हो गया अगर लाइट बिजली पंखा ये सब की जरूरत पे साधु को जोड़ नहीं चाहिए। साधु तो सब छोड़ दिया है। साधु का उद्देश्य क्या है सब कुछ सोचना पड़ेगा। परिवेश को अपनाओ। परिवेश पे जितना वातावरण है उसको अपनाओ तब उसको शरीर को साथ जनेंगे तब तब भजन होगा। बिल्कुल है बाबा वो तो परिवेश हमारा जो परिवेश है परिवेश को साथ जो सूट कर सकेगा वही साधु बन जाएगा। परिवेश को छोड़ कर कृत्रिम बनाने वाला चीज को हम अपनाएंगे तो हमारा मतलब साधु जीवन में भी आएंगे। और जो अब यहाँ टाइम पे जो सुविधा चल रही है पंखा कूलर अन्य भी अपना रहे हैं तो ऐसा कौन सा साधु जीवन है। ऐसा बेकार का चीज है इसमें भोगी डूबा रहता है सब गड़बड़ मामला है। तो बाबा आप यहीं पे खुद ही बनाओ प्रसादी। भैया हम क्या बनाएंगे राधा रानी बना दिया भाई हम क्या हमारा इच्छा हुआ राधा रानी को प्रार्थना किया है हे राधा रानी तुम्हारा द्वार इतना सुंदर है हम छोड़ के कहाँ जाएंगे अब तुम्हारा द्वार में हम पराराना चाहता हूँ तो राधा रानी प्रेरणा किया है जैसा जैसा भैया जैसा जैसा मर्जी उसे करा दिया है और ठाकुर जी भी साथ है दोनों मिलकर दोनों किया है।
सब इनकी कृपा से पूरे पार हुए। ये सब की चमत्कारी तो भाई राधा रानी की है। राधा रानी की दुआ में तो राधा रानी बिना कौन करेंगे। हमारा दिमाग में तो भाई क्या बोलेंगे भाई, क्या बोले, कामना वासना इच्छा भोग आसक्ति में डूबा हुआ है, सुबुद्धि तो नहीं है, दुर्बुद्धि भरा हुआ है। तो ये सब दुर्बुद्धि को हटा के राधा रानी एक सुंदर परिवेश में, सुंदर जगह में, सुंदर चिंतन दे के उन्होंने ही बना दिया है। आज हम यह वीडियो में यही दर्शन करा रहे हैं कि हर कोई समझ रहा है कि साधु जीवन तो बहुत आसान है, तो ये देख लो कितना आसान तुम्हें लग रहा हुए। तो अगर तुम भी सोचें कि आसान है तो तुम भी है के रह लो। ये ऐसे ऐसे भाव साधु संत महात्मान के यहाँ ब्रज में के कौन से भाव से जुड़े हुए यहाँ दर्शन आपको है रहे हैं, जो कि श्री जी और राधा रानी की भाव लीला से जुड़े हुए ऐसे रहनो आसान नहीं। प्रसादी तैयार है गई है, नो तो ठाकुर जी को लग गो है, अब थोड़ी देर में प्रसादी लगाने बाबा और प्रसादी पास ठाकुर जी आएंगे बाबा की कुटिया में। और आप सभी को ये बात और बता दें तो कि हर कोई कहे कि आप जैसे साधु संत महात्मा के दर्शन करामे तो कहा भाव उनसे जुड़ो भाई, और ये पल देख लो बाबा माँ प्रसादी जय हो लाली लाल की। बाबा थोड़ी सी सेवा प्रसादी हम ठाकुर जी के काज लाए तो स्वीकार कर लें, तो थोड़ी सी प्रसादी हम लाए पर स्वीकार कर लें तो ठाकुर जी के काज है। थोड़ी सी लाएंगे तो आप तो ब्रजवासी है, तो आपको जानकारी आपको शिकायत हमको करनी पड़ेगा, दूसरा कोई को शिकार कर ले तो आप तो ब्रजवासी है। बाबा थोड़ी सी प्रसादी से लेके आएगा तो क्यों नहीं शिकार कर। रोको रोको ला रहे बाबा, आप ज्यादा से ज्यादा साधु के लोग बाहर बोलो, साधु लोग तो भोजन में ज्यादा बाधा करेगा तो भैया हमारा तो मुश्किल हो जाता ना। भाव चिंता बढ़िया होना चाहिए, थोड़ा सा होना साधु को, थोड़ा सा जब प्रभु को प्रसाद पाना है तो थोड़ा सा दो बस खला खत्म। बाबा के काज थोड़ी सी प्रसादी है, राधा 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 सी राधा। बाबा थोड़ी सी प्रसादी है शिव जी की तरफ से ही है, इस तरह रख लीजिए जो भी है ठाकुर जी के काज है। तो ज्यादा हो गया भैया, थोड़ा सा बोला तो तू जाए ना बाबा, बस ही है घर वर मामला कर देता भैया, मामला यही पर घर वर हो जाता भैया। अरे ना बाबा का छुना है रो, सब घर वर सब 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 श्री जी ने भेजा है। भेजा तो ठीक है, श्री जी तो भेजा, श्री जी तो भेजा, लेकिन आपको भी समझ होना चाहिए जो एक साधु को क्या जरूरत है। तो बाबा तब जब साधु ही बोलते हैं, संतो ही जो बोलते हैं, तो संतों को जरूरत कछु नहीं है बाबा। ये कि श्री जी की तरफ से थोड़ी बहुत प्रसादी है जाएगी, प्रसाद नहीं ये सब थोड़ा सा, इससे भी आधा थोड़ा लो, ये सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है बाबा। ये है कि आज प्रसादी ठाकुर जी को बन जाएगी, कल भी बन जाएगी, तो काल के लिए तो गड़बड़ हो जाता है, काल कौन देखा, यही तक भजन का बाधक है, काल के चिंतन मत करो, काल तो काल ठाकुर जी हो जाएंगे दोस्त। अरे बाबा ब्रज में रह रहे हैं तो ठाकुर जी हमेशा ही रखेंगे। अब दे दिया हम ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अगले बार जब लेके आएगा ये सब लेकर ले आना नहीं चाहिए। आपको अगर देना है अगरबत्ती और दिया जलाने वाला तेल बस, ठाकुर जी के मिश्री तो है बस कछु। देखो ब्रजवासी के रोटी आ जाता है, आज होली के लिए हम गया नहीं, लेकिन ब्रजवासी की रोटी आ गया, ब्रजवासी का आगे रोटी का आगे ऐसा फीका है। देखो यही भाव जैसे हम आपको ब्रजवासी का रोटी के टुकड़े के आगे हम जो समन देता है वो सब फीका है, ये समर्पण है ठाकुर जी के काज सब कुछ। तो इसीलिए आप ब्रजवासी है, आपको अगर कुछ देना है तो थोड़ा सा एक अगरबत्ती दे देना, थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं, बस यही, इसमें ठाकुर जी खुश हम भी खुश, नहीं तो भाई आप खुशी होगा हम दुखी होगा।
अपने तो ज्यादा ठाकुर जी की चिंता है बस बाबा को, ठीक है। आप दुख आप खुशी होगा भरा भरा सामान देने से आप खुशी होगा, लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। चलो बाबा अगली बार राधा रानी की जय, या माफ करियो भूले बाबा जो भी हम पे गलती है गई हो, सब 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 शिक्षा है वो तो आप देखो बाबा की बहुत ही सुंदर सी ये एक सेवा को बाबा ने दिखाया हो कि जैसे कि हर कोई साधु संत ये ना चाहे कि मैं खुश रहूं हमेशा या मेरे का जी इतनी सामाजिक चीज़ें आ जाएं कि मैं हवा में रचो पचो रह जाऊं। बाबा ने कही है कि मोकू ना है कि केवल ठाकुर जी इनके काजे अगरबत्ती और थोड़ी जो धूपबत्ती है या मिस्त्री प्रसादी है बाबा ने बस केवल वही की सेवा के काजे कही है। तो हर कोई ना चाहे हर कोई आपने एक बहुत सुंदर सो पद और सुनो होगा जैसे साधु भूखा भाव का धन को भूखा नहीं और धन को भूखो जो फिर है वो तो साधु नहीं है। बाबा क्या बताएंगे भाई, ये तो भाई जिस किसका भाव है ये तो हम करा दवाई अब मांग दे तो ऐसा दवाई देंगे तो हल्ला हो जाएगा भैया, ब्रज में हल्ला हो जाएगा भैया। ऐसा जिसका जिसका जैसा भाव है वही कैसे करेंगे, बिल्कुल बाबा विचार बुद्धि जैसा आएगा तो हम कैसे करेंगे, साधु नहीं है ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाई कि ये मामला गड़बड़ हो जाता है। बाबा ये कुटिया में तो बहुत समय लगो बनावे में, हम तो भाई नहीं दिन दिन में हम कर लिया। अच्छा तीन दिन में कुटिया बना दे बना लिया राधारानी की प्रेरणा से। हम तो यहाँ पर छह साल तो यहाँ मेहमान मंदिर में 5 साल हो गया तब आनंद से आनंद ब्रज को आनंद कैसा ये तो बता दो बाबा। ब्रज की आनंद 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 से कोई बार कर कोई है बाहर का कोई था त्रिभुवन में कोई जगह में ब्रज के आनंद बिना कछु नहीं है। ब्रज को आनंद सर्वोपरि क्या बताए, या भी होली उत्सव दिया है इसमें क्या बताएंगे। होली में राधा कन्हैया खेल रहा है आनंद कर रहा है रस ले रहा है, जो साधु लोग आनंद रस ले रहा है इसमें भाव को कौन बताएंगे कौन समझेगा। बिल्कुल राधा रानी की जय जय श्री राधे किशोरी दया करो। देख लो भैया बहुत सुंदर सा भाव आपने जानो महाराज जी इनके माध्यम से और कैसे कैसे करके ब्रज को वास बाबा मिलो और अभी बाबा थोड़ी देर में भोग प्रसादी हमारे ठाकुर जी का जो लगाएंगे। गोविंदा गोपाल गिरिधारी लाल मन बिहारी लाल जसोदा दुलाल दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया जसोदा का छैया जा भैया। एक नौ घरे आओ हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा घरे आओ हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा मैं तुम्हारी तुम्हें हमारा मैं तुम्हारी तुम्हें हमारा घर आओ हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा मीरा के प्रभु गिरिधारी नागर मीरा के प्रभु गिरिधारी नागर घर आओ हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा मीरा के प्रभु कब मिलोगे मीरा के प्रभु कब मिलोगे घर आओ हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा घर आओ हमारे घर आओ प्रीतम प्यारा बोला प्रीतम प्यारा गोविंद गोपाल की धारीलाल मान बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय 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 श्री राधे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अच्छा बाबा अभी पट बंद हो जाएगा ठीक है। अच्छा अभी भोग लगाए क्या? भोग लगा दिया जब लगा दिया है अभी पट बंद हो जाएगा दर्शन कर लो पहले पट लगवे थे पहले और आप सबन को आनंद भरो ये बहुत सो सुंदर सो भाव और सत्संग आपने जानो और सुनो
के यही सुंदर सी एक मन की उमंग यहाँ ब्रज में रह के सब संत महात्मा की और ब्रजवासी की जुड़ी रहे, ठाकुर जी इनते डोर बंधी रह। जय हो महाराज, जय हो माय। लाडली जी की महारानी की जय हो। ये पहले देखो बाबा, कोई चूलो बाबा, या चूले पर रोटी बना, जो बनता है सब्जी उब्जी जो बनता है, ठाकुर जी जो व्यवस्था करता है, यही चूल्हा में बनते हैं बाबा के चूल्हा। और यही बाबा ये कांटे वाली लकड़ियां ने तोड़ के ईंधन बना में। अरे भाई, इसमें तो भाई ठाकुर जी के शुद्ध होता है, लकड़ी में शुद्ध प्रसाद होता है। अच्छा, एक बात सुन लो, लकड़ी में जो प्रसाद बनता है वो शुद्ध प्रसाद बनता है, और गैस उसमें जो है जो प्रकृतिक जो मतलब प्रकृतिक छोड़ के जो कृत्रिम को अपन लेता है उसमें तो कुछ आजकल तो जैसे कि शहरन में का गामन में भी जो है गैस आ गई है, गैस चूल्हे पे ही कर रहे हैं, कछु कर होने वाला नहीं है। ठाकुर जी को तो वही भोग लगाने पड़ेगा, कष्ट करके थोड़ा सा लकड़ी उकड़ी जुगाड़ करके ठाकुर जी को पूरा। वैसे हमारा जो राका बाका था, वो राका बाका गिर गोवर्धन में दोनों पति पत्नी ने जंगल से लकड़ी चुरा के ठाकुर जी को भोग बनाता था। इतना निष्किंचन भक्त था वो, ठाकुर जी को लकड़ी बना कर जब ठाकुर जी वो उसको देने के लिए बहुत कुछ मांगता है, जे वो हमारा नामदेव जी महाराज बोलता है, उसका शिष्य था, तो नामदेव जी महाराज बोलते हैं कि भैया वो लका बका को तुम कुछ कुछ देता नहीं जाए, बोले हम तो देने चाहता है लेकिन वो लेता नहीं, हम क्या करेंगे। तो एक दिन कहा कर देखो, तो एक दिन में क्या किया, धन पर रख दिया तो धन ढक के रख दिया चुपका, तो जो उसको ये सब भाव है। दूसरा दिन कहा लिया नहीं, दूसरा दिन ठीक है भाई पैसा वैसा लेगा नहीं कोई बात छोड़ो, लेकिन वो क्या कर जंगल में जाके लकड़ी ठाकुर जी खुद और नामदेव जी खुद दोनों ने लकड़ी चुन के भार 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 के डाला करके रख दिया है, जो रामदेव जी आएगा हमारा राका बाका आएगा और वो सहज में ले जाएंगे उसको थोड़ा दो। तो देखता है वो बोलता है क्या जंगल में गाते थे, इतना लकड़ी सब जरा हुआ है जगह जगह में, तो लगता है मेरे से कोई और गरीब जंगल में आ गया है। जंगल में गया तो भाई रकम उसका पत्नी को बोला चलो भाई अब हमको आठ जरूरत नहीं है, ये लकड़ी आराम फूलेगा, हमें कोई दूसरा जगह में चलेंगे। कहे कि देखिए इसमें भाव कहता है जे हमसे भी कोई दुखी है, हमसे भी कोई दुखी है, उसको दुख दर्द सहन निभाना हमारा काम है। देखिए वो क्या किया है, बिना लकड़ी उक लेकर चला गया। तो ठाकुर जी नामदेव जी देख, ठाकुर जी बोला देखा तेरा नाम तेरा कारण आज मेरा भक्तन है वो लकड़ी भी लिया नहीं। ठाकुर जी ने पहले भी जाएंगे वो लकड़ियां तैयार करके बांध गए के ले जावे वो जगह जगह में कर दिया। तो वो सोचता है हमसे भी कोई गरीब दरिद्र होगा जो पहले थे तैयार करके तो उसको से सामान हम क्यों लेंगे। तो भाई हमको जरूरत है चलो, तो चला गया। तो ठाकुर जी नामदेव जी बोले देख तेरे कारण मेरे भक्त को आज भूखा रहने पड़ेगा। भोसा भी लगा के तो जंगल का लकड़ी से मेरा कहने का मतलब है जंगल का लकड़ी से सूत प्रसाद बनता है, आहार बनता है, तो वो ठाकुर जी पाता है तो सब भक्त जो भक्त पाएगा। भक्तों की कोई भी गृहस्थ भक्त हो चाहे साधु हो जो भी हो, लकड़ी के ऐसे पड़ेंगे तो उसको सात्विक भाव धीरे 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 बनता ही रहेगा। इसमें जैसा सात्विक हमारे गौ माता का दूध गौ माता का कुछ भी सामान व्यवहार करेंगे शरीर में तो उसको सात्विक भाव आते ही होगा धीरे, एकदम 100% आएगा ही आएगा। गौ माता का दुग्ध हो चाहे हमारा घी दो दाऊ जो चाहे गो गो हमारा गौमूत्र जो होता है शरीर में जाता है, गौमूत्र शरीर में जाने से कितना करोड़ों करोड़ जीवाणु को मार देता है, जो हम लोग को संक्रामक रोग होता है वो रोग को नष्ट कर देता है। तो ये गौ माता ऐसा माता है सर्वेश्वरी माता है, उसको तो प्रणाम करना चाहिए, उसको सबको उसको शरीर उसको चीज अपनाना चाहिए जीव को, तब जीव को कल्याण होगा, जीव को सात्विक होगा, जीव को शुद्ध बुद्धि विचार बदल जाएगा। बाबा एक बात तो ये बता दो तुम, जैसे कि और कोई ये ब्रज को बास चारो तो तुम्हें जैसे ब्रज को बास मिलो कैसे भी ठाकुर जी की किशोर जी की कृपा दे, कैसे कोई और उपास है ब्रज को बास, हर कोई चार होए गए मैं तो ब्रज को बास पाऊंगा, मैं तो घर पे ना रहूंगा अपने। ये तो सुनो सब तो चाहता है आ जाता है, ठाकुर जी को तो एक तो हिसाब है सृष्टि में
एक हिसाब होता है। करोड़ जन्म ने हम लोग बार बार जन्म लिया है ना, तो करोड़ जन्म के बाद तो ठाकुर जी भी विचार करते जे इसको हो गया बहुत काम, इसको हम बहुत सटाया है, ठाकुर जी बोलता है हमें इसको बहुत सटाया है माया, हमारा ठाकुर जी सटा मतलब ठाकुर जी का माया सटाया है, तो इसको भाई अभी थोड़ा शांति होना चाहिए, प्रेम भूमि में लेना चाहिए। तो ठाकुर जी उठा के ले कहता है विचार चिंता धारा सब कुछ को, राधा रानी तो बैठाई हुआ है लेने के लिए, राधा रानी तो दयामयी कृपामयी है, वो तो सब जीव को लेने के लिए गोद में लेने के लिए बैठाई हुआ है। मतलब मन में एक ऐसा भाव जोड़ना चाहिए ठाकुर जी ने के ठाकुर जी मैं बुला ले अपने कार्य बस खाली सब सत्संग साधु संग सुनते सुनते धीरे 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 जीव को सत्संग सुनने पर गया। सत्संग बिना सत्संग से भक्ति होता नहीं, बिना सत्संग से कुछ होता नहीं, सत्संग सुनने से साधु का मुख से वाणी सुनने से सुनते सुनते अपनाने पड़ेगा, जीव को अपनाने पड़ेगा तब जीव को कल्याण होगा। जीव अपने मनमानी चलेगा, साधु महापुरुष को महात्मा लोग हमारा बाबा महाराज जैसे महापुरुष है, हमारा विनोद बाबा महाराज जी जैसे महाराज है, हमारा राजेंद्र महाराज जी जैसे महापुरुष है, वृंदावन आरो कितना जाने कितना महापुरुष लोग है, लेकिन इसको आदर्श में चलेंगे, इसको बात प्रवचन हम लोग अब जीवन में अपनाएंगे तो ही हम लोग को कल्याण होने वाला है। और सब जीव सब धर्मों सब संप्रदाय को एक संप्रदाय भावना चाहिए, सब कोई संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय तो मतलब जुगल संप्रदाय है, राधा रानी जुगल संप्रदाय, कछु संप्रदाय नहीं है, सब आप अपने अपना मन का भाव है, लेकिन वो संप्रदाय को जैसा हमारा माता जी गौ माता को चार बाट है, चार दूध में चार में एक ही सफेद वाला अमृत निकलता कि नहीं, अमृत तो दूध में एक ही निकल है। तो हमारा धर्म है जितना संप्रदाय है सब अपने अपने भाव से ढंग से बनाया है, लेकिन ऐसा सबको एक प्रणाम करके आगे चलने पड़ेगा तभी उसका भक्ति बनेगा। सबको प्रणाम सब संप्रदाय को प्रणाम करने पड़ेगा, नमन करने पड़ेगा, दंडवत कर मानने पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति रखने पड़ेगा, तब वो जीव राधा रानी के चरण पे जा सकते हैं। बिल्कुल है, नहीं तो कोई जीव हम रामानंदी है, हम राम जी को भक्त करेंगे भाई हम गौरिया संप्रदाय का है, हम गौरांग महाप्रभु का है, उसको क्यों अपनाएंगे, हम निमार का है तो हम क्यों अपनाएंगे, ऐसा ऐसा जो गलत सब गलत भ्रम हमारा महापुरुष लोग को आचार्य जी चरण में सब दिखाने गया था, लेकिन हम लोग को थोड़ा सुधारने चाहिए, चाहिए। और जो जी भगत भजन करना चाहता है उसको सब संप्रदाय का प्रणाम नमन करते, सब साधु पुरुष महास को नमन करते वो आगे बढ़ेंगे तो उसको भक्ति आगे ही बढ़ेगा। बोलो राधा रानी की। देखो भगवान को कहना यही है कि जैसे कि हमारे जो धर्म है कई हिस्सों में बांट दिए गए हो, जैसे कि शुरुआत में तो यही है कि जैसे कि कहे जावे हमने शुरू में पढ़ो भी है कि धर्म चार हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ऐसा कुछ ना है, धर्म केवल एक है जो कि है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में एक आज के समय में जैसे कि कही जा रही है कि सनातन धर्म के चार पहलू हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू में भी कई साधु संत महात्मा में अपनी अपनी एक अलग 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 संप्रदाय बनाई हुई हैं। और एक बहुत ही सुंदर सा भाव और एक कह दे कि एग्जांपल बाबा ने दियो कि गौ माता के चार थन हैं, चाहे कोई छोटो है चाहे बड़ो है चाहे कैसो भी है, लेकिन चारों में से दूध सफेद ही निकले। यहाँ का मतलब यही है कि चाहे कोई कैसी भी संप्रदाय, लेकिन नाम केवल एक ही भजना चाहिए, और वो हमारे जो भी ठाकुर जी का नाम है केवल वही हमारी जिंदगी हमारे जीवन है सार्थक बनावे को। और यही महाराज जी के माध्यम से भाव है और कैसे कैसे महाराज जी यहाँ जिंदगी एक पहलू जीते हुए एक ऐसा भाव ठाकुर जी के प्रति आस्था को में लड़ा रहे, यही थे आज के सुंदर से दर्शन। आपसे भक्त है इनको राधे राधे। Thank you.